ओके गाइस, तो आज मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ रेडीमेड वाला बैटर आईडी का, और इडली एंड डोसा बैटर है ये। और चलिए फिर इसकी सबसे पहले मैं आपको इडली बनाकर बताती हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि सही बनती है या नहीं। चलिए फिर देखते हैं। बैटर यहाँ पर मैंने इडली स्टैंड में सेट कर दिया है। यहाँ पर इसका पानी बॉईल हो रहा है, स्टैंड को इसके अंदर। और यहाँ पर इडली अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। और अभी मैंने इसे ना मोल्ड में से नहीं निकाला है क्योंकि एकदम गर्म गर्म इडली बाहर नहीं निकालनी चाहिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सी ना इडली बनकर तैयार हो चुकी है। और आप ये देख सकते हैं एकदम परफेक्ट इडली बनकर तैयार हुई है। और काफ़ी अच्छा रहा बैटर ये आईडी का, और मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो चलिए अब हम इसका बनाते हैं उत्तपम और डोसा, दोनों चीज़ों का रिव्यू शेयर करूँ। तो गाइस, जैसे कि इस बैटर पर लिखा हुआ है, दिस बैटर इज़ मेड विद ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स एंड इट इज़ नेचुरली फर्मेंटेड जस्ट लाइक इन योर किचन। जैसे कि हम बनाते हैं अपने किचन में, जब हम इसका बैटर जो है ना फर्मेंटेड करते हैं ना, उसी तरीके से इस वाले आईडी के इडली डोसा बैटर का भी ना जो बैटर है वो बिल्कुल उसी तरीके से नेचुरल तरीके से फर्मेंट कर रखा है। तो अगर आप ये ठंड में बना रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि अगर कि जैसे वो ठंड के टाइम में ना जल्दी फर्मेंटेड नहीं होता है इडली डोसा बैटर, तो इसीलिए ये ऑर्डर करके मंगाए मैंने भी, क्योंकि इस टाइम ठंड है। अच्छा, अब मैं इसका रिव्यू करूँगी। इसकी मैं इडली बनाऊँगी, इडली बना के पहले चेक करूँगी, उसके बाद में मैं डोसा भी बनाऊँगी। ओके गाइस, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, इसमें थोड़ा बहुत ना नमक ऐड है, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा और ऐड करना तो आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर नमक जो है ना वो ऑलरेडी डल। ओके, तो यहाँ पर अब मैं डोसा ट्राई कर रही हूँ, और यहाँ से मैंने बैटर ले लिया है इस तरह से, और आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम को फुल करके ना मैं इस तवे पर डाल रही हूँ डोसा बैटर, और इसे हम इस तरीके से घुमाते जाएंगे और देखते हैं कि हमारा कैसा डोसा बनके तैयार होता है। इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल मार्केट वाले डोसे के जैसा आता है या नहीं, या हम घर पर जिस तरह से बैटर को फर्मेंट करते हैं वैसा टेक्सचर आता है या नहीं डोसे का, तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डोसा इस तरीके से तवे के ऊपर फैला दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार सा डोसा जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ पर इसे तवे पर से हल्के हाथ से छुड़ा देते हैं, क्योंकि अगर आपका डोसा बैटर परफेक्ट है ना तो फिर वो तवे को आसानी से छोड़ देता है, और अगर डोसा बैटर में कुछ गड़बड़ी है ना तो वो तवे से ना चिपक जाता है। तो मैं कहूँगी यहाँ पर कि आईडी का जो डोसा और इडली बैटर है ना वो एकदम परफेक्ट है, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो ना बनाया गया है, और इसकी स्मेल ही बता रही है। तो यहाँ पर थोड़े से आलू लगा देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने आईडी के इडली डोसा बैटर से इडली भी बनाई है और डोसा भी बनाया है, और साथ ही मैं उत्पम भी बनाऊंगी। उत्पम तो ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इडली और डोसा बैटर था ये, और एकदम परफेक्टली क्रिस्पी सा हमारा जो डोसा है ना वो तैयार हो चुका है, जैसे कि पैकेट के ऊपर मेंशन किया गया था। और गाइस, यहाँ पर मैं इसी बैटर से आपको एक और रेसिपी दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ उत्पम, और उत्पम के लिए भी बिल्कुल उसी तरीके से हम बैटर ले लेंगे, और उसे भी हम थोड़ा सा मोटी लेयर बनाकर ना इसे हम तवे पर इस तरह से फैला देंगे। और आप चाहें तो इसके अंदर कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इस बैटर में भी ऐड कर सकते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, लेकिन मैं यहाँ पर इसके ऊपर से ना इसमें वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करूँगी, मतलब टॉपिंग्स की तरीके से। हरी मिर्च, टमाटर, प्याज डालने के लिए आप चाहें तो हरा धनिया या आपकी आपकी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर टमाटर और प्याज वगैरह जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इस पर ना लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं इसे इस तरह से लेट के साथ में ना कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरह से ऊपर से भी कुक हो जाए। ओके, अब मैं इसे चेक कर लूँगी। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालकर ना इसे मैं फ्लिप भी कर दूँगी, इसे इस तरह से उठाकर ना इस तरह से फ्लिप कर दूँगी। वैसे आप चाहें तो फ्लिप करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि कुछ लोगों को ऊपर से भी चलाना पसंद आता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा उत्पम जो है ना वो रेडी हो चुका है, और इसे हम निकालेंगे प्लेट पर।
तो गाइज़ आज मैंने आईडी के इडली डोसा बैटर के साथ में आपके साथ में तीन रेसिपी शेयर करी हैं, उत्पम की और साथ ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी इडली की रेसिपी भी शेयर करी है। इडली भी एकदम परफेक्ट तैयार होती है इस वाले बैटर से, आईडी के डोसा एंड इडली बैटर से। तो यहाँ पर हमारी इडली भी एकदम परफेक्ट तैयार हुई थी, जिस तरीके से मार्केट वाली इडली होती है बिल्कुल उस तरीके से हमारी इडली घर पर बनकर तैयार हो गई थी। क्योंकि अगर आप घर पर बनाते हैं तो कभी कोई कमी रह जाती है, लेकिन इस वाले बैटर से कभी कोई कमी नहीं रहेगी और एकदम परफेक्टली क्रिस्पी डोसा हमारा बनकर तैयार हुआ है।